गुड मॉर्निंग बच्चों, हम 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल और भी करेंगे जब तक आप श्योर ना हो जाए कि जो हमने टॉपिक किया है वो हमारे समझ में आ गया, तब तक न्यूमेरिकल करेंगे। और मैंने आपको बोला भी था कि ये चैप्टर मैं 20 से 25 दिन लंबा ले जाऊंगा, क्योंकि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे या फिर आगे टीचर लाइन में जाओगे, तो बार बार ये चैप्टर आपको तंग करेगा। ठीक है बच्चों, और जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, उस प्रॉब्लम का बच्चों मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। परंतु वो सॉल्यूशन कहां मिलेगा आपको? इस चैनल के ऊपर, केमोफोबिया चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो वो वहां पर मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और ये सारे के सारे लेक्चर हैं, ये वहां पर भी डालता हूं मैं, यहां पर भी देख सकते हो, वहां पर भी देख सकते हो। तो बच्चों अब शुरू करते हैं। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, क्रिस्टल ऑफ ए CuSO4 मतलब 5H2 50 ग्राम, इसमें क्या कहा हुआ है? जो ये मॉलिक्यूल है या जो ये कंपाउंड है इसको हमने 50 ग्राम लिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है? मास ऑफ वाटर, हमें इसमें पानी का वेट निकालना है। आप बोलोगे पानी का वेट कैसे? क्योंकि बच्चों ये सारे का वेट हमें 50 ग्राम दिया हुआ है, परंतु इसमें पानी भी प्रेजेंट है, केवल हमें पानी पानी का वेट निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल की बात करें तो बच्चों नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? गिवन मास बटे एटॉमिक मास, या फिर इसे मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, एटम होता है तो एटॉमिक मास, तो इसे मैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है बच्चों, गिवन मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। अगर इस चीज का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, कॉपर का आई थिंक 63 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 18 ग्राम, तो 18 × 5 = 90 ग्राम। अगर टोटल आप इसको जोड़ोगे तो 250 ग्राम आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखूं तो मोल कितने हो गए इसके? 1.5 मोल्स। 50 ग्राम में इस सारे के कितने मोल है बच्चों? इस सारे के मोल बात कर रहा हूं मैं, कितने मोल प्रेजेंट है 50 ग्राम में? इस सारे के 1.5 मोल प्रेजेंट है। अगर आपको एक बात बताता हूं, अगर एक मोल ऑफ CuSO4 5H2O में कितने मोल ऑफ वाटर है? 5 मोल्स ऑफ वाटर है कि नहीं? देख लो, अगर एक मोल होता पूरा ये, मतलब ये पूरा 250 ग्राम होता बच्चा, 250 ग्राम होता तो इसमें से 90 ग्राम पानी होता। एक मोल का तो हमें पता है, परंतु हमारे पास मोल कितने निकल के आए? 1.5। तो बच्चों एक मोल के अंदर कितने मोल ऑफ वाटर है? एक मोल ऑफ इसके अंदर CuSO4 5H2 के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है? H2O के 5 ही होंगे, ऑटोमेटिक हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। परंतु बच्चों हमारे पास मोल प्रेजेंट कितना है इसका? इस क्रिस्टल का मोल कितने प्रेजेंट हमारे पास? हमारे पास बच्चों इस क्रिस्टल के मोल 1.5 प्रेजेंट है। तो अब 1.5 मोल ऑफ CuSO4 5H2O के वाटर के कितने मोल प्रेजेंट होंगे बच्चों? 5 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बच्चों 1 मोल प्रेजेंट होगा। 50 ग्राम में इसका 1 मोल प्रेजेंट है। अगर बच्चों ये 250 ग्राम होता, 250 ग्राम का मतलब 1 मोल होता, तो उसमें 5 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता। परंतु 50 ग्राम में ये कितना मोल आते हैं इसके? 1.5। तो वाटर के भी मॉलिक्यूल निकालेंगे, वो मोल निकालेंगे, तो वाटर के मोल कितने प्रेजेंट हो जाएंगे बच्चों? 1 मोल। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ H2O का वेट निकालना हो तो पता है आपको H का 2 होता है, क्यों? 1H का 1 होता है, यहां पर 2H प्रेजेंट है तो 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का कितना प्रेजेंट होता है बच्चों? 16, तो मतलब 18 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना हो गया? 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि इस 50 ग्राम में पानी का 1 ही मोल प्रेजेंट है। अगर बच्चों ये 250 ग्राम होता, पूरा मोल होता 1,
250 ग्राम होता इसमें 5 मोल ऑफ H2 प्रेजेंट होता, तो इसलिए हमने ये कैलकुलेट करके निकाला है कि 1 मोल के अंदर 5 मोल प्रेजेंट है बच्चों CH3O4 के वाटर के, और 1/5 मोल के अंदर 1 मोल वाटर का प्रेजेंट होगा, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो 2 + 16 = 18 ग्राम। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसे, ठीक है बच्चों। हो गया, तो रख कर देखता हूं इसे मैं, अगला न्यूमेरिकल देख। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है बच्चों फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर, प्रेशर को पी डॉट लिख देता हूं, प्रेशर है ये, प्रेशर एक्सर्टेड एक्सर्टेड बाय हीलियम गैस, और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया बच्चों 4 ग्राम, मतलब जो टेबल में पीरियोडिक टेबल में होता है वो इसमें दे दिया इसने, ठीक है। टेकन है इन टेन लीटर वेसल, टेन लीटर वेसल एट 600 है, कितना 600 है कैल्विन, ठीक है बच्चों। प्रेशर कितना गिवन है बच्चों, हमें निकालना है प्रेशर सेंटर ऑफ मोल कंट्रोलर, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब गैस की बात आ जाती है और हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन ना दी हो, तो आपको मैंने बताया है ये इक्वेशन याद करो आप, PV = nRT। बच्चों P क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर होता है, V क्या होता है वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल होते हैं, और R क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है, T क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन लेना है। अगर बच्चों आपको प्रेशर और वॉल्यूम लीटर और एटीएम में दिया हो, तो R की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है 0.0821 लो, अगर आपको वो मीटर क्यूब और पास्कल में दी हो, तो R की वैल्यू 8.314 लो आ, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट का चक्कर होता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, फाइंड द प्रेशर, ये प्रेशर निकालना है। अब देखोगे कि गिवन क्या क्या चीज है, वॉल्यूम बच्चों यहां पर दिया हुआ है 10 लीटर का वेसल, जितना वर्तन होता है उतना इसका वॉल्यूम होता है, तो 10 लीटर दिया हुआ है, और बच्चों टेम्परेचर भी यहां दिया हुआ है इतना 600 कैलोरी, नंबर ऑफ मोल भी बच्चों यहां दिया हुआ है 1, कैसे, जो बच्चों हमने हीलियम गैस ली है वो कितनी ली है 4 ग्राम, तो हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं बच्चों, तो गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना होता है बच्चों, दिया हुआ है 4 ग्राम, ये 4 ग्राम दिया हुआ है, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी बच्चों 4 ग्राम ही होता है, आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो मोल कितने आ गए 1, अंडरस्टैंड और नॉट, तो बच्चों मोल भी 1 दिया हुआ है, और R की वैल्यू अगर यहां पर ये लीटर में दिया हुआ है, R की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 0.0821 है, एटीएम लीटर है पर मोल पर केल्विन इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का आप यूज करो, P निकालना है हमें, तो ऐसे लिख दूं P = nRT/V, अगर ये V इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में आएगा बच्चों, N की वैल्यू आपको पता है 1 और R की वैल्यू 1/12 मैंने आपको बताई थी, ये अगर आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करोगे 1/12 से तो ये आ जाता है, ये इसलिए यूज करते हैं बच्चों कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। और T कितना दिया हुआ है 600 केल्विन, और अपॉन V 10 लीटर दिया हुआ है बच्चों, तो यहां से देखोगे तो 600/120, ठीक है बच्चों। अब इसे हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 12 5 60 होता है कि नहीं,
तो ये पांच मतलब एटीएम। एटीएम की क्यों आप बोलोगे कि आपने पास्कल में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों ये यहाँ पर लीटर में प्रेजेंट है और हमने जो आर की वैल्यू है वो भी लीटर एटीएम वाली यूज की है, तो इसका आंसर एटीएम में आएगा। आप इस क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक मीथेन दी हुई आपको, मतलब क्वेश्चन मीथेन मतलब CH4 होता है बच्चों, मीथेन। 10th क्लास में आपने कार्बोनेटेड कंपाउंड में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बारे में पढ़ा था ना, वो मीथेन यानी कि CH4। कितनी दी हुई हमें, 8 ग्राम दी हुई है, 8 ग्राम का सैंपल है, मतलब हमें गिवन वेट कितना हो गया मीथेन का, 8 ग्राम। हमें निकालना क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल, ठीक है बच्चों। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी निकाल लें, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। अब देखो आप इस बात, तो बच्चों सबसे पहले वही काम, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं हम, n इज इक्वल टू गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। गिवन मास बच्चों इसका कितना है, 8 ग्राम। अब आप देखोगे कि मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12 होता है, और हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है, 12 और 4 16, तो मतलब इसके बच्चों मोल कितने आ गए, 1/2, मतलब 8 ग्राम मीथेन में आधा मोल प्रेजेंट होता है। अगर 16 ग्राम होता तो बच्चों पूरा मोल होता, और 8 ग्राम मीथेन है तो उसे आधा मोल बोले। अब क्वेश्चन आ गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो करते हैं, सीखते हैं इसे भी, ठीक है। आधा मोल याद रखना, आधा मोल है अपना। अब बच्चों एक मोल में CH4 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, एक मोल में CH4 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, आपको मैंने बताया था एक मोल का मतलब होता है क्या, 6.02 × 10⁻²। इसका मतलब अगर एक मोल CH4 का मतलब क्या हो गया, आपको मैंने बताया था डेफिनेशन में कि एक मोल का मतलब बच्चों कितना होता है एवोगाड्रो नंबर, और वो नंबर ये होता है। परंतु हमारे पास मीथेन के कितने मोल प्रेजेंट है, परंतु हमारे पास मीथेन के कितने मोल प्रेजेंट है, हाफ। तो बच्चों हाफ मोल ऑफ CH4 तो मतलब ये Na होता है, तो Na/2 ये Na होता है, तो इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, Na का मतलब ये नंबर होता है बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो एक CH4 होता है बच्चों, CH4 ठीक है, एक CH4 होता है, उसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, परंतु यहां पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है बच्चों, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास। तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन।
अब एक मॉलिक्यूल के पास ने एक मॉलिक्यूल के पास हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, परंतु हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने। तो इसको Na by 2 को बच्चों मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बच्चों हमारे एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, परंतु नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, या फिर 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 अपॉन 2। अगर एक के अंदर 10 है तो इतनों के अंदर कितने होंगे, इतने होंगे 5Na, क्यों ये दो से मैंने काट दिया, तो मतलब बच्चों इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास इस सैंपल के अंदर। और आपको मैंने बताया जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, जब तक उस पर कोई चार्ज ना हो। ये क्वेश्चन देखो बच्चों आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे देता हूं मैं, और इसका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा बच्चों, इस कीमोफोबिया चैनल के ऊपर मिलेगा आपको। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, और ये कल या आज शाम को इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, और जिस जिस बच्चों को ना आए वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, ठीक है। क्वेश्चन ये है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से तभी पॉजिटिव चार्ज आया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, ये आपको सोल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व करना, और इसका सॉल्यूशन मैंने बताया कहां मिलेगा आपको, मेरे चैनल कीमोफोबिया पे। और आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जैसे कि कल एक बच्चे ने एक न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम बताई थी मेरे को, और वो उसका सोल्यूशन मैंने इस चैनल के ऊपर डाल रखा है, वो बच्चा वहां पर जाकर देख सकता है। थैंक यू बच्चों।